सब्सक्राइब कीजिए फन एंजॉय को और टैप कीजिए बेल बटन पे सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, फन एंजॉय के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है नया स्मार्टफोन लेने का, और वो भी एंड्रॉयड 7 लेटेस्ट नोगट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, और आपका बजट है लगभग 15,000 रुपये। लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज है कि कौन सा फ़ोन ले, तो चिंता करने की बात नहीं है। मैं आज आपको हेल्प करूंगा कि कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन होगा कि नोगट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, वो भी 15,000 रुपये या उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला फ़ोन है मोटो G5। तो मोटो G5 के कुछ की फीचर्स देखते हैं। मोटो G5 में आपको 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगा विथ 1920x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन, और आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी मिलेगा। मोटो G5 में आपको 1.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी मिलेगा, और रैम साइज़ इसकी दो वेरिएंट में आएगी, 2 GB रैम एंड 3 GB रैम। मोटो G5 में आपको 16 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी, और कैमरा स्पेसिफिकेशन से 13 MP रियर कैमरा एंड 5 MP फ्रंट कैमरा। और इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, और साथ ही में आपको 2800 mAh की बैटरी भी मिलेगी, और इसकी कीमत है लगभग 11,000 रुपये। अब देखते हैं सेकंड फ़ोन, Asus ZenFone 3X Max। Asus ZenFone में आपको 5.2 इंच की HD डिस्प्ले मिलेगी विथ 1280x720 पिक्सल कर्व डिस्प्ले मिलेगा आपको इसमें, और 1.5 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। Asus ZenFone में आपको 3 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। कैमरा स्पेसिफिकेशन है Asus ZenFone Max के 13 MP रियर कैमरा एंड 8 MP फ्रंट कैमरा, और इसमें आपको मिलेगी दमदार 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, और इसकी कीमत होगी लगभग 14,350 रुपये। अब बात करते हैं थर्ड स्मार्टफोन LG K10 2017। LG K10 में आपको 5.3 इंच की HD डिस्प्ले मिलेगी, और वो भी 1280x720 पिक्सल का। LG K10 में आपको कर्व ग्लास मिलेगी IPS डिस्प्ले वाली, और इसमें आपको मिलेगा 1.5 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और साथ ही में आपको 2 GB रैम मिलेगी और 16 GB इंटरनल मेमोरी। कैमरा स्पेसिफिकेशन से इस फ़ोन के 13 MP रियर कैमरा एंड 5 MP फ्रंट कैमरा, और इसमें आपको 2800 mAh की रिमूवेबल बैटरी मिलेगी, और इसकी LG K10 की प्राइस होगी 13,350 रुपये। अब बात करते हैं चौथे स्मार्टफोन की, Smartron SRT फ़ोन में आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी विथ 1920x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन। इस फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ये फ़ोन चलता है ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे। इस फ़ोन में आपको मिलेगी 4 GB रैम और इंटरनल मेमोरी दो वेरिएंट में आएगी इस फ़ोन की, 32 GB एंड 64 GB, इनमें से आप एक फ़ोन खरीद सकते हैं। इस फ़ोन की खास बात है ये है कि ये फ़ोन चलता है एंड्रॉयड 7.1 वर्जन पे, और ये आप अपग्रेड भी कर सकते हैं टू लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओ। और इस फ़ोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन से 13 MP का रियर कैमरा एंड 5 MP का फ्रंट कैमरा। इस फ़ोन में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और साथ ही में 3000 mAh की बैटरी भी मिलेगी, और इस फ़ोन की कीमत होगी लगभग 14,000 रुपये। अब बात करते हैं पांचवे फ़ोन L Phone P9000 की। इस फ़ोन में भी आपको 5.5 इंच की IPS LCD फुल HD डिस्प्ले मिलेगी विथ 1920x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन, विच लीड्स टू ए पिक्सल डेंसिटी ऑफ 401 PPI। इस फ़ोन में आपको मिलेगा 2 GHz का कॉर्टेक्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर। एल फोन में आपको मिलेगा 20 MP का रियर कैमरा एंड 8 MP का फ्रंट कैमरा, और इस फ़ोन में आपको मिलेगी 3000 mAh की ली आयन बैटरी, और इस फ़ोन की कीमत होगी लगभग 12,000 रुपये। अब बात करते हैं आखिर का लास्ट फ़ोन और सबसे सस्ता फ़ोन, सैमसंग हॉरिज़न। ये फ़ोन आपको सिर्फ 5,000 रुपये में मिलेगा, और वो भी एंड्रॉयड नोगट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। इस फ़ोन में आपको मिलेगी
5 इंच की HD डिस्प्ले विथ 1280 बाय 720 रिजोल्यूशन। इस फ़ोन में आपको 1.25 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा। सैमसंग हॉरिजॉन में आपको 2 GB रैम मिलेगी और 16 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। इस फ़ोन में कैमरा स्पेसिफिकेशन है 8 MP का रियर कैमरा एंड 5 MP का फ्रंट कैमरा। इस फ़ोन में आपको मिलेगी 2450 mAh की बैटरी मिलेगी और इस फ़ोन की प्राइस है सिर्फ 5000 रुपीज़। तो दोस्तों ये थे 6 स्मार्टफोन, वो भी एंड्रॉयड नोगट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।